घोपारू क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। मेरे द्वारा टीम बना करके वहां भेजा गया था, मैं भी स्वयं एक टीम में था। ये बरेली के पास जो है एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखा इनको, तो एक ट्रैक्टर को रोक करके थाने लाने की कार्रवाई कर रहे थे, जब्ती की कार्रवाई की थी जिसको थाना ला रहे थे। रास्ते में कुछ ग्रामीण लोग अज्ञात तत्व जिसमें वाहन मालिक भी सम्मिलित था, उनके द्वारा वाहन को रोका गया और गाड़ी में पथराव किया गया, तोड़फोड़ किया गया और वहां छुड़ा करके चले गए। मेरे द्वारा मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में किया गया और थाना पहुंच करके अपराधियों के विरुद्ध जो है FIR की कार्रवाई की गई है। इसमें गिरफ्तार है अभी मेरी जानकारी में है, थाने से प्राप्त हुई है। इसमें वाहन तो जब्त किया गया है, वाहन जब्त किया गया है और गिरफ्तारी हुई है नहीं व्यक्ति की अभी जानकारी नहीं है। अभी हाल ही में इसी तरह जो अपने क्या नाम देवलोन तरफ देवलोन साइड एक पटवारी की भी हत्या हो गई, इस तरह रेत की कार्रवाई करने गए थे, कहीं ना कहीं रेत माफियाओं की या रेत से जुड़े लोगों के हौसले बुलंद हैं इस तरह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। एक वो घटना थी, ये भी बहुत बड़ी घटना थी, हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता था। हम लोग मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन से, कलेक्टर से, SP से हमने निवेदन किया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और एक व्यक्ति, एक वाहन को गिरफ्तार वो भी कर लिया गया है, जब्त करके थाने में अभिरक्षात खड़ा भी कराया गया और बाकी व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी जारी है, कार्रवाई जारी है। मेरे द्वारा सतत संपर्क में है माननीय SP महोदय से, एडिशनल SP से, मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ तो भी इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। और मैंने ये घटना की जानकारी ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया है। देखिए, विगत दिवस जो है खनिज विभाग की जो टीम है जिसने ठेकेदार के कुछ लोग उसमें सम्मिलित थे उन सब के साथ मिलकर के रात्रि में जो है अवैध उत्खनन की और परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर उनके द्वारा जो है गोपारू थाना क्षेत्र में दबिश दी गई थी। दबिश के दौरान जो है जब ट्रैक्टर को ले आ रहे थे उसी वक्त गांव के कुछ लोगों के द्वारा जो है इनके ऊपर अभद्रता पूर्वक व्यवहार भी किया गया और ट्रैक्टर इनसे छीन लिया गया। तो इस स्थिति के आधार पर जो खनिज निरीक्षक है उनके द्वारा एक आवेदन जो है थाना गोपारू में प्रस्तुत किया गया और वह जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था उस आवेदन के आधार पर गोपारू पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया और साथ ही साथ जो है जो आरोपी गण है उसकी गिरफ्तारी की गई है और जो ट्रैक्टर उसको भी जो है जब्त किया गया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।